वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन्स। मैंने आपको वहां पर ऑर्डर भी शो किया, आपको कार्बो कैटायन कौन ज्यादा स्टेबल होता है और कौन सा कार्बो कैटायन लेस स्टेबल होता है, हमने वो इन डिटेल डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बो कैटायन्स। जब किसी रिएक्शन में कार्बो कैटायन बनता है तो वो हमेशा कोशिश करता है टू बिकम मोर स्टेबल, वो अपने आप में रीअरेंजमेंट करता है, वो ग्रुप उसको शिफ्ट करता है, माइग्रेट करता है, सो हैज टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। टॉपिक का नाम डालो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बो कैटायन्स। टॉपिक का नाम है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बो कैटायन्स। इट इज कार्बो कैटायन्स, हमेशा याद रखना। ये कम खतर का समझ टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। देखो नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखो क्लासिकल कार्बो कैटायन्स। क्लासिकल कार्बो कैटायन्स अंडरगो रीअरेंजमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। हमेशा खतर याद था, स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी करेगा कार्बो कैटायन। कार्बो कैटायन हमेशा करना कोशिश में स्टेबिलिटी का इंक्रीज। 1 डिग्री कर कोशिश कन्वर्ट 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बो कैटायन ट्राइज टू कन्वर्ट इनटू 3 डिग्री कार्बो कैटायन। कल मैंने आपको रूल एक्सप्लेन किया, हमेशा याद रखना ये फॉर्मूला KmHI याद रखना। कार्बो कैटायन कर हमेशा कोशिश कुंगस उसको मिलना चाहे प्लस आई से ज्यादा स्टेबल है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, उससे ज्यादा है प्लस एम, उससे ज्यादा एरोमेटिक कार्बो कैटायन। सो कार्बो कैटायन यथ मस कार्बो कैटायन कार्बन इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक एरोमेटिसिटी। इन साथ कार्बो कैटायन कार्बन इज पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया। यूस ये कार्बो कैटायन हो इसको देखो, यहां पर जो ये कार्बो कैटायन कार्बन है, ये कार्बन इट इज पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, इसलिए ये हाईली स्टेबल है। ये चार्ज पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, कार्बन इज पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, इसलिए ये स्टेबल कार्बो कैटायन है। ये क्या था, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 है, इट इज कॉल्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट इज एरोमेटिक सिस्टम एज पर हकल रूल। ये भी sp2 कार्बन है, sp2 ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, साइक्लिक मॉलिक्यूल है और ये हकल रूल को ओबे करता है। ठीक है, दिस इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बो कैटायन। इस डायरेक्शन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन इंक्रीज होता है। ये मैंने लिखा पॉजिटिव इफेक्ट, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, याद रखना। ये कौन सा ऑर्डर है, स्टेबिलिटी इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन। यथ कार्बो कैटायन्स में इंडक्टिव इफेक्ट है, तंको ज्यादा स्टेबल आसन चु हाइपर कंजुगेशन स्टेबलाइजर कार्बो कैटायन, उससे ज्यादा स्टेबल होता है मेसोमेरिक और रेजोनेंस स्टेबलाइजर कार्बो कैटायन, उससे ज्यादा होता है एरोमेटिक कार्बो कैटायन और सबसे ज्यादा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बो कैटायन्स। कल मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया, पहला पॉइंट यही है को क्लासिकल कार्बो कैटायन्स अंडरगो रीअरेंजमेंट सो एज टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। पॉइंट नंबर 2 लिखो, रीअरेंजमेंट इज वेरी वेरी फास्ट। रीअरेंजमेंट इज वेरी फास्ट, लेकिन याद रखना इट डिपेंड्स ऑन ग्रुप। अगर बोर्ड ग्रुप माइग्रेट गए तो रीअरेंजमेंट स्लो, अगर स्मॉलर ग्रुप गेस माइग्रेट रीअरेंजमेंट वेरी फास्ट। मोन गर्स हियर रीअरेंजमेंट इज वेरी फास्ट, ठीक है। ये भी लिखो द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डिफरेंट रीअरेंजमेंट्स आर डिफरेंट। किसी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बेरियर कम होगा, किसी के लिए ज्यादा होगा। सारी सारे स्टेप खतर रीअरेंजमेंट सारे स्टेप खतर एक्टिवेशन एनर्जी बराबर क्या, किसी स्टेप के लिए ज्यादा होगा, किसी के लिए कम होगा। अगर वो ग्राफ प्लॉट कर, सपोज हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट कैटायन है, इसको रीअरेंजमेंट हो गया ऐसे 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 ऐसे, को यूस कार्बो कैटायन इसकी एनर्जी ज्यादा है, यह है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन POR। जो ये कार्बो कैटायन है अब ये कन्वर्ट हो गया इस वाले कार्बो कैटायन में, यहां पर एक ट्रांस स्टेट है, दूसरा है, तीसरा, इसका मतलब है इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा, ये स्लो स्टेप होगा।
ये वाला फास्ट स्टेप है, ये कार्बन कैटायन रिलीजमेंट ये वाला सबसे फास्ट है। एमो मतलब वो इसका ट्रांजिशन स्टेट का वैल्यू डिफरेंट है टी एस थ्री का, ये टी एस टू है और ये टी एस वन है। एमो मतलब वो ये कार्बन कैटायन में गई त्रे स्टेप्स, जितने स्टेप्स होते हैं उतने ट्रांजिशन स्टेट्स होते हैं, एक दो और तीन, लेकिन हर ट्रांजिशन स्टेट का जो ये है एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट पे तापस ताएं जैसे एनर्जी लगन जी, जो ये एनर्जी हमें चाहिए इसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी, ये डिफरेंट है, यहां पर ज्यादा है, इसमें कम है ये एनर्जी और इसमें ये सबसे कम है। तीन रूप में रेअरेंजमेंट इज वेरी फास्ट, जनरली इट इज वेरी वेरी फास्ट, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डिफरेंट रेअरेंजमेंट्स और स्टेप्स, लिखो रेअरेंजमेंट लिखो और स्टेप्स आर डिफरेंट, ये डिफरेंट होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर चाहे वो बनाई, ये है हमारे पास कार्बो कैटायन, ये है हमारे पास सी एच एच एच, यहां पर सी, यहां पर मैंने एच बनाया, यहां पर एच बनाया और यहां पर सी प्लस चार्ज, इधर से एच इधर से एच, हमेशा खतर याद था हूं, इसको नंबर कर दो, कार्बो कैटायन कार्बन को नंबर वन कर दो, ट्रिप्स याद था हूं, इसको टू कर दो और इस हाइड्रोजन को तीन कर दो, इस वाले हाइड्रोजन को या इस वाले को, एक और तीन के दरमियान बांड दो पे प्लस चार्ज, इतना कार्बन कैटायन पे आपको स्टेप, इस कार्बन से यहां आएगा फिर इस कार्बन से यहां जाएगा फिर इससे यहां, तो कार्बन कैटायन पे एक एंकर्ड बेस अंदर सो एज टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, जहां पर इसकी स्टेबिलिटी एक पर रहेगी या कम हो जाएगी वहां रुकेगा ये, अगर यह स्टेबल स्टेबिलिटी कम यहां पहुंचने से इंक्रीज होता है चलेगा, अगर वह युद्ध कार्बन कैटायन स्टेबिलिटी के इंक्रीज, इसका मतलब ये मूव करेगा फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन, जहां तक स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, जहां तक कार्बन कैटायन की एनर्जी डिक्रीज होगी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी वहां तक कार्बन कैटायन रेरेंज हो जाएगा, लेकिन हर स्टेप विल बी वन टू, कार्बन कैटायन विल मूव फ्रॉम वन कार्बन टू टू, इट्स ऑलवेज वन टू मूवमेंट, ये कह आखा कदम पाई की एक एक स्टेप चलेगा कार्बन कैटायन, अब युग में बांड में हमेशा वहां एक और तीन के दरमियान बांड दो के प्लस चार्ज, इसका मतलब है इसमें ऐसे बनेगा रेअरेंजमेंट ऐसे हो जाएगा, ये है हमारे पास ये तीन एच है, यहां पर बनेगा सी, इस पे आएगा प्लस चार्ज, ये एच अपनी जगह पे और यहां पर आया हाइड्रोजन, समझा हुआ, योस एक और तीन के दरमियान बांड, ये एक का कार्बन नंबर वन है और ये तीसरा हाइड्रोजन है, इसके दरमियान बांड आया, दूसरे पे आया प्लस चार्ज, दूसरे का प्लस चार्ज, मूव कर कार्बन कैटायन फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन, अब ये यहां से यहां मूव करेगा, डिपेंड करता है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगा या अगर बढ़ गया तो मूव करेगा, अगर सेम रहा या कम हो गया तो फिर ये मूव नहीं करेगा, वो हम देखेंगे, इसका मतलब है रेअरेंजमेंट इज ऑलवेज वन टू, नीचे लिखो रेअरेंजमेंट ऑफ कार्बो कैटायन इज ऑलवेज वन टू वन टू, ये वन टू होता है या कहो अल्फा बीटा, रेअरेंजमेंट से हमेशा वन टू, ये एक एक स्टेप में होता है, ठीक है। ये पॉइंट भी लिखो, इन एवरी स्टेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन एवरी स्टेप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन शुड इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन शुड नेसेसरली इंक्रीज, ये गए जरूरी इंक्रीज कर, नेसेसरली इंक्रीज, अगर स्टेबिलिटी, सपोज मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन किया, वो सर बेटा जो ये कार्बन कैटायन है इसको देखो, एनएच अल्फा कार्बन, ये इस पे दो हाइड्रोजन है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन दो है, वहां मूसा ये कार्बन, इसका ये अल्फा कार्बन है, इसका ये अल्फा कार्बन, ये त्रे अल्फा हाइड्रोजन और यहां पर तीन है अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी इंक्रीज, हाइपर कंजुगेशन इंक्रीज हुआ, इसलिए ये वाला कार्बन कैटायन इसमें शिफ्ट हुआ, अल्फा हाइड्रोजन की इंक्रीज, उसका मतलब आपको हमेशा देखना है केम एच आई रूल को अप्लाई करना है, हर स्टेप में आपको ये रूल अप्लाई करना है, चाहे करूं चेक यूस गोल्डन कार्बन कैटायन जो अथमस कुछ हाइपर कंजुगेशन, जो ये दूसरा कार्बन कैटायन बन गया अथमस कुछ हाइपर कंजुगेशन, ये इंक्रीज होना चाहिए, अगर यथमस अल्फा हाइड्रोजन यथमस गुबर में जो यहां पर भी दो रहे अल्फा हाइड्रोजन, उसका मतलब ये यहां पर शिफ्ट नहीं करेगा क्योंकि स्टेबिलिटी एक और रहा, स्टेबिलिटी शुड इंक्रीज, याद रखना स्टेबिलिटी शुड नेसेसरली इंक्रीज, ये बराबर या कम नहीं होना चाहिए, ये नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज उस वक्त रेअरेंजमेंट होगा, या
अगर इस कार्बोकेटायन में है हाइपर कंजुगेशन, जब इसने रेअरेंज किया उसको मिला मीसोमेरिक इफेक्ट, फिर हमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखना है बिकॉज म्यूजोमेरिक इफेक्ट इज मोर स्टेबल देन हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन कार्बोकेटायन कन्वर्ट्स क्विकली इनटू म्यूजोमेरिक स्टेबल कार्बोकेटायन, समझ रहे हो, क्योंकि इस डायरेक्शन में कार्बोकेटायन मूव करना चाहिए। या अगर कोई कार्बोकेटायन कम इंडक्टिव इफेक्ट, जब उसे रेअरेंज किया उसका इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इंक्रीज हुआ, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, वो रेअरेंजमेंट होगा, समझ रहे हो। ऐसे ही अगर कोई कार्बोकेटायन हाइपर कंजुगेशन कम, इसके अल्फा एच दो थे, अब जब ये रेरेंज हो गया, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन किसके बराबर है, सिक्स के बराबर, और ये तीन छह, यहां पर कितने थे, सिर्फ दो थे, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन दो के बराबर, आई मीन मतलब गो, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हुआ, जब अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होगा उसका मतलब हाइपर कंजुगेशन इंक्रीज होगा, उसका मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, ये रेरेंजमेंट होगा। आपको चेक करना है केम एच आई फॉर ईच स्टेप, हर सिस्टम में आपको केम एच आई, जनरली हम इतने देखते हैं ये तीन, इनसे हम डिसाइड करते हैं ये रेअरेंजमेंट कैसे किन्न। दिस वाज पॉइंट नंबर थर्ड, रेअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज ऑलवेज 1:2, ये 1:2 होता है। इन एवरी स्टेप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन नेसेसरी शुड इंक्रीज, फॉर दिस वी यूज केम एच आई, मैं वही लिखूंगा, फॉर दिस वी यूज केम एच आई फॉर ईच स्टेप, हम हर किसी स्टेप पे कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, केम एच आई, हम चेक करते हैं इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, क्योंकि स्टेबिलिटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, नोट करो, ठीक है। दिस वाज स्टेप नंबर, दिस वाज पॉइंट नंबर थर्ड। देख बेटा आप एक और पॉइंट याद रखो, वुश सर जितना स्टेप और अरेंजमेंट, फिर से देखो मैं क्या हूं, मैं उन्हें बाण बनाए एक और तीन, इसका मतलब है ऐसे बनेगा, देख बेटा ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये ऐसे बनेगा, ये बाड बने, ये बाड फिट, यही है, यस ये रिंग बने, अत कस मेम्बर त्रे, गो हमेशा याद था मुझे, रेअरेंजमेंट विज बने थ्री मेंबर्ड, ये साइक्लिक है, ये बंद, क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म है, थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, हमेशा याद रखना, थ्री एम सी टी एस फॉर्मड, इन केस ऑफ रेअरेंजमेंट ऑलवेज थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये तीन मेंबर्ड होता है, एक दो और तीन, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मड, ये पॉइंट नोट करो, रेअरेंजमेंट ऑलवेज फॉर्म्स रीअरेंजमेंट ऑलवेज फॉर्म्स थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, याद रखना, वेयर एम स्टैंड्स फॉर मेंबर्ड, सी स्टैंड्स फॉर साइक्लिक, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांजिशन, एस स्टैंड्स फॉर स्टेट, समझ आई यून, हमेशा बने थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट व्हाइल रीअरेंजमेंट ऑकर्स, नोट करो, ये भी याद रखना, हमेशा थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन, और रीअरेंजमेंट इज ऑलवेज 1:2, कार्बो कैटायन पाए के अखक स्टेप, पहले इस कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे डायरेक्टली तुलना, व्हाट ये क्या, याद रखना, कार्बो कैटायन ऑलवेज मूव्स 1:2, एक से दो अगल बगल आसपास के कार्बन पे मूव करता है, ठीक है। अब देख कार्बो कैटायन यू सी द स्टू, देख बेटा यहां पर ये प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है ये, देख बेटा फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर जब आना ये ना सी ग्रुप, यहां पर एक ग्रुप है H और यहां पर दूसरा ग्रुप है, चलो मैंने आइसोटोप यूज किए, या मैंने यहां पर अलकाय रखा, यहां पर फिनाइल रखा, यह ग्रुपस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऐसा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऐसा, वही माइग्रेट करेगा, वो जनरली कारण से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ ग्रुप इज सीन, हम देखते हैं इन दो ग्रुपों में, या अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा आपको, अभी मैं उसमें आपको क्लियर करूंगा, कार्बो कैटायन, देख बेटा हमारे पास है सी एच टू, अच्छे से अंडरस्टैंड करना, यहां पर मैंने कार्बन रखा, ये एक दो है, कार्बो कैटायन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर, इस कार्बन पे मैंने तीन ग्रुप रखे, हाइड्रोजन वाला ग्रुप मैंने रखा सी एच थ्री और मैंने रखा फिनाइल, हमेशा याद रखना वन सा कुछ बाउंड कमजोर, इन तीन में हाइड्रोजन वाला बाउंड कमजोर है, हाइड्रोजन है स्मॉल साइज, इट हैज हाई चार्ज डेंसिटी एंड बॉन्ड इज वीक, दबन सारी को जल्दी कर इलेक्ट्रॉन
ये ग्रुप माइग्रेट करेगा, हाइड्रोजन वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये सबसे पहले माइग्रेट करेगा, ठीक है। पर अगर माइग्रेट करना, चलो अगर मैं कहूंगा अब इन दो में कौन माइग्रेट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन किन में ज्यादा, पाई इलेक्ट्रॉन से बेंजीन ज्यादा, इसका मतलब फिनाइल वाला माइग्रेट करेगा, इसको लिखते हैं पीएच। माइग्रेशन को हम शो करते हैं ऐसे, हाइड्राइड को हम लिखते हैं क्योंकि एच द्रव इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसका नाम है हाइड्राइड, एच नेगेटिव शिफ्ट होगा ऐसे। ये है मिथाइल, इसको हम लिखते हैं एम ई शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। ये है मिथाइल शिफ्ट, ये है फिनाइल शिफ्ट, ये हाइड्राइड शिफ्ट। सारी को फास्ट करंट माइग्रेट हाइड्रोजन, बिकॉज ये बॉन्ड कमजोर होता है, हाइड्रोजन का स्मॉल साइज है, इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, ये जल्दी फास्ट मूव करेगा यहां पर। उसके बाद इन दो में कौन करेगा माइग्रेट, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि एमिस ग्रुपस गसुन जो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट साइड पर, वहां पर वो जाएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वही हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। लिखो जनरली ऐसे लिखो, कार्बो कैटायन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हेंस जनरली दैट ग्रुप माइग्रेट्स फर्स्ट, विच हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस पावर का नाम है माइग्रेटरी पावर ऑफ ग्रुप। हम देखते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ ग्रुप, हम क्या देखते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ ग्रुप। अगर से पता है ऐसी कशीर मज ड्राइ बटर यम गई नेबर यूज बटर इन यूरोस सो वो जल्दी शिफ्ट जम्मू, ठीक है। वही रूल यहां पर भी है, जिस फैमिली के पास पैसा ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, वही जल्दी माइग्रेट करेगा, उस रोल का नाम है माइग्रेशन, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ ग्रुप जिसका ज्यादा होगा, वो उसका ज्यादा होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा, सो ही ग्रुप कैन जल्दी माइग्रेट टुवर्ड्स हाइड्रोजन। याद रखना सबसे पहले हाइड्राइड, नोट करो। देख बेटा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ ग्रुप क्या है, आप हमेशा याद रखना सबसे ज्यादा हाइड्राइड, सबसे फास्ट होता है हाइड्राइड, इसको कहते हैं हाइड्राइड, एच वाई डी आर आई डी। उसके उससे कम आएगा फिनाइल पी एच, इसको कहते हैं फिनाइल क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, और उससे कम अल्काइल, ऐसे लिखो अल्काइल, और मिथाइल्स, ये है अल्काइल, ये है हमारे पास, ऐसे लिखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। चलो मैंने ऐसे लिखा, नीचे लिखा मैंने अल्काइल, दिस इज द माइग्रेटरी पावर ऑफ ग्रुप्स, नोट करो। समझ आवा, कोजेमियस ग्रुपस ज्यादा ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सुगर जल्दी माइग्रेट, नीचे लिखो इसका रीजन हाइड्राइड वाला का, एच हैज स्मॉल साइज, याद रखना स्मॉल साइज, इट फॉर्म्स वीक बॉन्ड एंड हैज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, ये जल्दी फास्ट माइग्रेट करेगा। फिनाइल में क्या होता है, इट हैज पाई इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना। और अल्काइल में देखना सबसे ज्यादा वो माइग्रेट करेगा जिसका प्लस साइज ज्यादा होगा, अगर से वो माना ये है हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप, ये सबसे ज्यादा माइग्रेट करेगा क्योंकि यहां पर प्लस साइज ज्यादा है। अगर ब्याह नहीं, दूसरा मैं ऐसे लूंगा सी एच, और यहां पर मैंने डाला सी एच थ्री आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप, बताओ बेटा कौन माइग्रेट करेगा, ये ऊपर वाला ज्यादा माइग्रेट करेगा। यहां पर मैंने बनाया CH3CH2, ये मैंने बनाया इथाइल, इससे कम और सबसे स्लो माइग्रेट करेगा मिथाइल, ये ग्रुप सबसे कम माइग्रेट करेगा, को मिथाइल खुद ज्यादा प्लस आई इथाइलस, इथाइल से ज्यादा है आइसोप्रोपाइल का, आइसोप्रोपाइल से ज्यादा है टर्शियरी ब्यूटाइल का, सबसे फास्ट माइग्रेट करेगा टर्शियरी ब्यूटाइल विल माइग्रेट फास्ट देन आइसोप्रोपाइल, वो करेगा माइग्रेट फास्ट देन इथाइल, और इथाइल करेगा माइग्रेट फास्ट देन मिथाइल, याद रखना दिस सिंबल इज माइग्रेशन, यस सिंबल हावन माइग्रेशन का सिंबल।
मिथाइल से ज्यादा फास्ट करेगा इथाइल, उससे ज्यादा आइसोप्रोपाइल, उससे ज्यादा टर्शियरी ब्यूटाइल, क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल में प्लस साइज ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसका माइग्रेटरी पावर ज्यादा होता है, क्योंकि उसको जाना है इलेक्ट्रॉन डिफरेंट साइड पे। ये नोट करो, दिस इज माइग्रेटरी ऑर्डर। कब हम यूज करेंगे वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन, और हमें नोट करो, ठीक है बेटा? चलो बेटा लेट अस मूव टू अनदर पॉइंट। यू गाइस याद आसुन, माइग्रेटरी पावर इज जनरली सीन, जिस ग्रुप का ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होता है वही माइग्रेट करता है फास्ट। लिखो बेटा क्वेश्चन, राइट माइग्रेटरी ऑर्डर, माइग्रेटरी ऑर्डर। चलिए वन उस ग्रुप पे जल्दी माइग्रेट। सबसे पहले मैंने आपको ये ग्रुप दिया, ऐसे मैंने ग्रुप बनाया, यहां पर मैंने रखा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलो ऐसे नेगेटिव चार्ज नहीं, ऐसे ये ग्रुप अटैच है और यहां पर कुछ भी नहीं है, ये फर्स्ट ए पार्ट है। बी मैंने ऐसे बनाया, दोयम ग्रुप बनो मैं इसको, ठीक है। मुझे बताओ जल्दी कौन माइग्रेट करेगा। यहां पर मैंने डाला CH3। सी बताओ बेटा, इमोचोरमस कुस कर माइग्रेट जल्दी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है और किसकी सबसे कम? ये पहला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जेई में आता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ऑर्डर बताओ इसका भी। अब मैं रिंग बनाऊंगा जेट डायरेक्ट, थर्ड बी देखा हमने, यह क्लोरो बेंजीन वाला केस, सी इज ब्रोमो बेंजीन, ये बेंजीन है याद रखना, बीच में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक से बेटा। आ जाओ इसमें आइडोबेंजीन, ऐसे फोर्थ क्वेश्चन देखो, ठीक है जल्दी बताओ वन से बेटा, और क्वेश्चन करेंगे हम माइग्रेटरी ऑर्डर बताओ वन से। इनस कैप्चू, दिस ग्रुप इज प्लस एच हाइपर कंडीशन ग्रुप, ये वाला ग्रुप क्या है, ये प्लस माइनस एम ग्रुप है, माइनस एम सॉरी, दिस इज इस पर लोन पेयर है, यहां पर लोन पेयर से आसन एटमोस्फेयर यूज डायरेक्टली अटैचेस बेंजीन कार्बन, वो एक्ट करता है प्लस एम ग्रुप, दिस इज प्लस एम। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा, प्लस एम, इसका मतलब सबसे ज्यादा माइग्रेट करेगा डी, डी के बाद करेगा बी, फिर ए, और सबसे कम माइग्रेट करेगा नाइट्रो वाला, सी सबसे कम माइग्रेट करेगा क्योंकि इसके पास है माइनस एम। नोट करो, कुछ सारे को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जी डीएस मस, पच बीएस मस, पच एस मस, काम मस, सी एस मस, बताओ इनमें क्या होगा। पहले ग्रुप आइडेंटिफाई करो, जो ये सी एच थ्री ग्रुप है, सी डी थ्री ग्रुप है, सी टी ग्रुप है, ये हाइपर कंडीशन शो करते हैं, इसका मतलब है ये प्लस एच ग्रुप है, ये प्लस एच ग्रुप है, ये प्लस एच ग्रुप है, और जो ये अल्डिहाइड ग्रुप है सी एच ओ, इट इज माइनस एम, इसका मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी में, डी एस लास्टस। अब बताओ इन तीन में सबसे ज्यादा प्लस एच किसका ज्यादा है, जिसका सी एच बॉन्ड वीक है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन बीच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शॉर्ट, यहां पर आपको ब्रेक करना है सी एच बॉन्ड,
यहाँ पर ब्रेक करना है सी डी बॉन्ड, यहाँ पर ब्रेक करना है सी टी बॉन्ड। किस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है? सी एच बॉन्ड को। ये मैंने एक्सप्लेन किया, इसका मतलब ये फिर बॉन्ड जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा रिंग में, वो डोनेट करेगा, ये ग्रुप बनेगा इलेक्ट्रॉन रिच, इसका माइग्रेटरी पावर इंक्रीज होगा। मतलब वो ए बी सी डी, इसका आर्डर यही आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा ए से कम बी, बी से कम सी, सी से कम डी। इसका मतलब है ए को कम एज बी, बी से कम आएगा सी, सी से कम आएगा डी। दिस विल बी माइग्रेटरी ऑर्डर ऑफ दीज ग्रुप्स 1, 2, 3 एंड 4। क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन किसका ज्यादा है? सी एच थ्री का, उससे कम सी डी थ्री, उससे कम सी टी थ्री। और ये वाला ग्रुप क्या है? माइनस एम ग्रुप, इसका सबसे कम होगा। वहां सर ये फ्लोरोबेंजीन है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये सारे ग्रुप शो करते हैं प्लस एम है माइनस आई, माइनस आई इज डोमिनेंट इन केस ऑफ हैलोजन्स। लेकिन अब देखेंगे प्लस एम किसका ज्यादा है? फ्लोरिन का, क्योंकि यहां पर 2p 2p ओवरलैप है, यहां पर 2p 3p, यहां पर 2p 4p, यहां पर 2p 5p, ओवरलैपिंग करना ज्यादा, ओवरलैपिंग से फ्लोरिन भी ज्यादा, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ज्यादा प्लस एम, प्लस एम इसका ज्यादा है। इसका प्लस एम है, इसका भी प्लस एम है, ये भी प्लस एम ग्रुप है, ये भी प्लस एम, याद रखना। लेकिन यहां पर कौन डोमिनेंट है? माइनस आई। हेलोजन शो बोथ प्लस एम एज वेल एज माइनस आई, माइनस आई इज डोमिनेंट। अब मुझे बताना है किसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जनरली फ्लोरोबेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी हमने लिखा। तेल है सारे को ज्यादा माइग्रेट कर, इसका आंसर ये आएगा। देखो इसका आंसर बेटा आएगा ए, एम का काम इस माइग्रेट बी, बी से कम सी होगा और सी से कम डी होगा। दिस विल बी माइग्रेटरी पावर ऑफ दिस हेलो बेंजीन्स। आ जाओ, ये बहुत आसान है, ये इतना इंडेट इफेक्ट इंक्रीज गसन, ये टर्शियरी बिटाइल ग्रुप है, यहां पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। सबसे ज्यादा होगा ए, ए से कम बी, बी से कम सी और सबसे कम होगा डी। नोट करो दिस इज माइग्रेटरी पावर ऑफ दिस ग्रुप, नोट करो। चलो पांचवा क्वेश्चन करो। गलती नहीं करना, याद रखना, हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे मैंने बनाया, बताओ इन दो में किसका माइग्रेटरी पावर सबसे ज्यादा है, हमेशा याद रखना। साथ आर्थोस पर था सबस्टिट्यूशन, क्या था? हमेशा याद रखना, जब मैंने आर्थो ग्रुप पे सबस्टिट्यूशन रखा उस वक्त माइग्रेटरी पावर डिक्रीज होता है। इवन दो ये शो करता है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, ये भी शो करता है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। और ये वाला ग्रुप शो करता है प्लस एम, ये ग्रुप क्या प्लस एम ग्रुप, लेकिन फिर भी आएगा यही। अहम मतलब होते आर्थो सबस्टिट्यूटेड बेंजीन्स हैव लेस माइग्रेटरी पावर बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस, ये भी हिंड्रेंस में आता है, ये भी नोट करो। ये यूज होता है ओनली फॉर आर्थो, अगर मेटास बैठा है तब जाके नहीं, पैरा पे होगा तब जाके नहीं आर्थो, क्योंकि इस ग्रुप को वहां बॉन्ड बनाना मुश्किल हो जाता है। माइग्रेट कैरी वह कुदनस कार्बन कार्बन कैटायन कार्बन, वहां पर इसको बॉन्ड बनाना मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ स्टीरिक क्राउडिंग। ये लिखो आर्थो सबस्टिट्यूटेड सबस्टिट्यूटेड बेंजीन्स हैव लेस माइग्रेटरी पावर या एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड कहो या पावर कहो, देन मेटा एंड पैरा सबस्टिट्यूटेड बेंजीन्स बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रंस। आत्मस गसन से स्टीरिक हिंड्रंस क्राउडिंग होता है, उसके वजह से पावर माइग्रेटरी पावर डिक्रीज होता है। नोट करो ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करो। बताओ बेटा इन में से किसका माइग्रेटरी पावर ज्यादा है? यह है ए, दिस इज बी, दिस इज ऐसे करेंगे
ऐसे बनाई है, ये है बी, सी वाला मैंने ऐसे बनाया, डी वाला मैंने ऐसे बनाया। बताओ बेटा किसका कम किसका ज्यादा। मानसर बेटा किसका, अभी मैंने पढ़ाया, ये है आर्थो सबस्टिट्यूट, ये ग्रुप है प्लस एम, याद रखना इट इज प्लस एम। ये वाला ग्रुप क्या है, इट इज माइनस एम, इसमें कुछ नहीं है, ये क्या है प्लस एच, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा प्लस वाला, गो सारे को ज्यादा सुन ये, लेकिन ये आर्थोप है, इसका मतलब डी सबसे काम आएगा, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा कौन आएगा, सबसे ज्यादा आएगा ये वाला ए वाला ए, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा सी, सबसे कम डी, याद रखना, बिकॉज डी में क्या है आर्थो इफेक्ट, आर्थो सब्स्टिट्यूशन है, आर्थो सब्स्टिट्यूशन, ये साथ आर्थो सब्स्टिट्यूशन जैसी माइग्रेटरी पावर डिक्रीज होता है, नोट करो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस वाज माइग्रेटरी पावर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है बेटा, अब हम आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग रेअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, जो तय होनी चाहिए मैं थ्योरी, हमें हम कैसे अप्लाई करते हैं रेअरेंजमेंट को। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको गौर से अंडरस्टैंड करना, जो लास्ट पॉइंट, और यहीं पे आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जेडब्ल्यू और नीट में। मेथो इन सा कार्बोकैटायन, इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, ये है सी एच टू, यहां पर मैंने रखा सी, यहां पर रखा मैंने हाइड्रोजन, यहां पर मैंने रखा मिथाइल ग्रुप, और यहां पर रखा मैंने फिनाइल, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर ये ना रेअरेंजमेंट कर, देख बेटा मैंने शिफ्ट किया हाइड्रोजन को, हाइड्रेट शिफ्ट किया, एच नेगेटिव शिफ्ट किया मैंने, हाइड्रेट शिफ्ट, वन टू और थ्री, एक और तीन के दरमियान बॉन्ड, दो पे प्लस चार है, वन से क्या बनते तिल बनी फिर, ये बनेगा सी एच थ्री, ये बनेगा सी, इस पर आएगा प्लस चार्ज, यहां पर आया सी एच थ्री, और यहां पर है अपनी जगह पर फिनाइल, ठीक है। अगर मैंने शिफ्ट किया मिथाइल को, मैंने सी एच थ्री ग्रुप को शिफ्ट किया, आई हैव शिफ्ट सी एच थ्री ग्रुप, याद रखना इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ आपको ये शिफ्ट करना है, याद रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहे कार्बो कहते हैं हमको, ये ग्रुप नियर इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसीलिए मैंने लिखा हाइड्राइड, इसका नाम है मिथाइल, पूरा जाएगा इसी पर फिनाइल, ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ निकलेगा, वहां से बेटा ये क्या बनाई थी, यहां पर मिलेगा आपको सी, सी पे यहां एच था, यहां पर प्लस चार्ज है, यहां पर था फिनाइल रिंग है, यहां पर आप बना सी एच टू, यहां पर आ गया सी एच थ्री, ये शिफ्ट हुआ, यूगो शिफ्ट हुई, ठीक है, यूगो वन, यूगो टू, यूगो थ्री। थर्ड शिफ्ट क्या है, अगर फिनाइल शिफ्ट हुआ, अब मैंने फिनाइल को लिखा पीएच शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, वहां से बेटा क्या मंदिर सी ऐसे रहेगा ऊपर, अपनी जगह पर हाइड्रोजन, अपनी जगह पे मिथाइल, यहां पर आएगा प्लस चार्ज, ठीक है, इधर चला गया सी एच टू, और यहां पर आ गया फिनाइल, अब मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, यहां पर मैंने लेते त्रय अरेंजमेंट, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, याद रखना इसको कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, याद रखना, ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाले को कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, सेकंड इज कॉल्ड मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, याद रखना, थर्ड इज कॉल्ड फिनाइल शिफ्ट। देख बेटा अगर वो माइग्रेटरी पावर भी यूज कर, माइग्रेटरी पावर, माइग्रेटरी, तब जाके सबसे ज्यादा शिफ्ट पहले हाइड्रेट होगा, सबसे फास्ट शिफ्ट हाइड्रेट वाला, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसके बाद होगा फिनाइल शिफ्ट, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और सबसे स्लो होगा मिथाइल शिफ्ट, ये है माइग्रेटरी ऑर्डर, क्लियर, माइग्रेटरी ऑर्डर। अब देख स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, पहले वेट करना, वहां से यह कार्बोकैटायन कर्स अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एक के बराबर है, सोचना आपको, और यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं है, ये sp3 कार्बन है, याद रखना अल्फा हाइड्रोजन वन, वन से इतना तो अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर तीन है, त्रिवेश है, विशेष रेजोनेंस, इसमें है अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू सिक्स, और इसमें रेजोनेंस भी है,
यह कार्बो कैटायनस में गठन है हाइपर कंजुगेशन इंक्रीज और यहां पर रेजोनेंस मिल रहा है, यह सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बो कैटायन होगा। इसको मैं लिखूंगा स्टेबल कार्बो कैटायन, ये क्या है स्टेबल कार्बो कैटायन, याद रखना। कोई हम साथ हाइड्राइड शिफ्ट गो, हमें मिला स्टेबल कार्बो कैटायन, इसकी स्टेबिलिटी गैस इंक्रीज, रेरेंजमेंट गैस। यहां पर देखो यह कार्बो कैटायन अल्फा कार्बन, ये वाला नहीं है अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन है अच्छे हाइड्रोजन, इसका मतलब है यहां पर अल्फा हाइड्रोजन किसके बराबर, दो के बराबर। लेकिन यहां पर रेजोनेंस नहीं है, यहां पर रेजोनेंस भी है, यहां पर है रेजोनेंस, इट इज प्लस अल्फा एच दो के बराबर है एंड वी हैव रेजोनेंस, याद रखना। गो एम साल मिथाइल शिफ्ट गो एम साल गो एस रेजोनेंस भी अल्फा एच, लेकिन ऊपर में अल्फा एच कितने अच्छे, कोई हेरियम कार्बो कैटायन मोर स्टेबल देन दिस। लास्ट पे आ जाओ, जब आपने फिनाइल शिफ्ट किया यह कार्बो कैटायनस लेड अल्फा हाइड्रोजन त्रिया, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन किसके बराबर है, पांच के बराबर, लेकिन रेजोनेंस नहीं है। सबसे स्टेबल कार्बो कैटायन ये होगा, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये, मतलब शो यम साथ माइग्रेटरी पावर यूज कर, माइग्रेटरी पावर उस वक्त हम स्टेबल के कार्बो कैटायन नहीं देखते हैं, हम नहीं देखते हैं स्टेबल के कार्बो कैटायन, जब आप माइग्रेटरी पावर यूज करते हो उस वक्त पहले ये बनेगा, फिर ये वाला बनेगा, फिर ये बनेगा, जब हमने माइग्रेटरी पावर यूज किया। लेकिन जब हम करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन, उस वक्त सबसे स्टेबल कार्बो कैटायन बनाए कुछ हाइड्राइड शिफ्ट वाला, फिर बनाएगा मिथाइल शिफ्ट वाला, फिर बनाएगा फिनाइल शिफ्ट वाला, ठीक है। अब देख इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही इस लेक्चर का क्रैक है। देख बेटा सबसे पहले याद रखना, इफ रीअरेंजमेंट ऑफ, इफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बो कैटायन इज आरडीएस, अगर क्या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कार्बो कैटायन इज फॉर्मड इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप, देन ऑलवेज यूज माइग्रेटरी पावर ऑफ ग्रुप, उस वक्त हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन नहीं देखना है। एम साथ जो हमेशा करो चाहे शिफ्ट करो हाइड्राइड एच को शिफ्ट करो, फिर किसको शिफ्ट करो फिनाइल को, उसके बाद मिथाइल को शिफ्ट करो और अल्काइल को, ये आप कब यूज करोगे, व्हेन कार्बो कैटायन इज फॉर्मड इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो कब बनेगा आरडीएस, कौन स्टेप आरडीएस होगा वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। फिलहाल सबसे याद, अगर वनी पेपर सेटर रेरेंजमेंट ऑफ कार्बो कैटायन स्टेप इज आरडीएस, हमेशा आप शिफ्ट करो पहले हाइड्रोजन को, फिर शिफ्ट करो फिनाइल को, फिर मिथाइल को, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन को चेक मत करो, याद रखना। देख बेटा नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू करो, पूछ सर अगर कुंजे कार्बो कैटायनस मिली बैक बॉन्डिंग, इसको मिलेगा प्लस एन, रेरेंजमेंट दौरान मिले जब यहां से यहां चला गया इसको मिला प्लस एन, उसका मतलब है वो कार्बो कैटायन किस स्टेप में बन रहा है आरडीएस, उस वक्त आप हमेशा यूज करो कौन माइग्रेटरी पावर ऑफ ग्रुप। लिखो इफ कार्बो कैटायन गेट्स बैक बॉन्डिंग, याद रखना इसको मिलता है बैक बॉन्डिंग ड्यू टू प्लस एन, देन कार्बो कैटायन इज फॉर्मड इन आरडीएस, हेंस अप्लाई माइग्रेटरी पावर, माइग्रेटरी ऑर्डर, आप माइग्रेटरी ऑर्डर को अप्लाई करो, ये पॉइंट दिमाग में हमेशा के लिए बिठाओ, समझाओ। अगर कार्बो कैटायन मिले बैक बॉन्डिंग, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, रेरेंजमेंट को कार्बो कैटायन इसको मिला प्लस एम, तीन प्लस एम मिले एम मतलब वो अ कार्बो कैटायनस में बनन ये कार्बो कैटायन रेरेंजमेंट स्टेप स्टिल आरडीएस, ये आरडीएस में बन रहा है कार्बो कैटायन, यहां पर हमेशा यूज करना है जिस ग्रुप का ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसी को माइग्रेट करो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे, नोट करो। मगर अगर नहीं कार्बो कैटायन बने हो आरडीएस में स्कीन, तब जाके आप किसी भी ग्रुप को शिफ्ट करो, हाइड्रोजन को शिफ्ट करो, मिथाइल को शिफ्ट करो या फिनाइल को, लेकिन सबसे स्टेबल कार्बो कैटायन बनना चाहिए, आपको देखना है उस ग्रुप को शिफ्ट करो जो सबसे स्टेबल कार्बो कैटायन बनाएगा, याद रखना। यूसी हेरिम रूल में लियो, ये टोटल गसन 8% रिएक्शन के लिए अप्लाई, 1% रिएक्शन के लिए अप्लाई होता है जो मैंने अभी लिखा,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चार या पांच रिएक्शन ऐसे हैं जहां पर ये रूल अप्लाई होता है, बाकी 99% केसेस में हमें हमेशा बनाना होता है मोस्ट स्टेबल कार्बन कैटायन। आप किसी भी ग्रुप को शिफ्ट करो इन तीन में, लेकिन हमें बनना चाहिए स्टेबल कार्बन कैटायन। आप पांच याद था जब साथ हाइड्रोजन शिफ्ट करे तो हमेशा मिलन स्टेबल कार्बन कैटायन को हाइड्रोजन शिफ्ट पहले करो, इसमें कोई पंगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन शिफ्ट से इसका माइग्रेटरी पावर भी ज्यादा है और यह हमें देता है मोस्ट स्टेबल कार्बो कैटायन। वो मैं लिखूंगा नीचे, लिखो इफ आर इफ एस लिखो इफ कार्बो कैटायन सीसी इज नॉट फॉर्मड इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आरडीएस देन ऑलवेज फॉर्म मोस्ट स्टेबल कार्बो कैटायन, देयरफॉर वी कैन शिफ्ट एनी ग्रुप। आप किसी भी ग्रुप को शिफ्ट कर सकते हो, आपको माइग्रेटरी वाला ऑर्डर यूज नहीं करना है जब कार्बो कैटायन आरडीएस में नहीं बनता है। कार्बन कैटायन रिअरेंजमेंट स्टेप आरडीएस क्या, ये आरडीएस स्टेप में नहीं बनता है। आप किसी भी ग्रुप को शिफ्ट करो लेकिन आपको मिलना चाहिए सबसे स्टेबल कार्बन कैटायन। जनरली गांड शिफ्ट करो हाइड्रोजन, पथ शिफ्ट करो मिथाइल, पथ फेनाइल, क्योंकि स्टेबल कार्बन कैटायन ये है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो पहले हाइड्राइड को शिफ्ट करो, फिर अल्काइल को शिफ्ट करो, फिर फेनाइल को शिफ्ट करो। ये है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, देख बेटा यहां पर देख, यूस ये पहले नोट करो इसको, नोट करो बेटा, वो मैं पॉइंट आपको लिखाता हूं। देख बेटा एच ने सी किए, सी ये है एच, ठीक है, ये क्या CH3, ये है हमारे पास फिनाइल, ये मैंने फिर से बनाया, ये CH+ है कार्बो कैटायन, ठीक है। अगर चाहे बोने आप, चलो मैं ऐसे करता हूं, ऐसे करेंगे मिथाइल एक फिनाइल, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन सबसे फास्ट शिफ्ट होगा। आप बता या फिर मिथाइल शिफ्ट करो या फिर शिफ्ट कुछ फिनाइल। अगर यहां पर इथाइल होगा, इथाइल का माइग्रेटरी पावर ज्यादा है। अगर मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन दिया, हमारे पास ये ग्रुप है, हमारे पास ये ग्रुप है, हमारे पास ये ग्रुप है, इसको मैंने अटैच किया CH2 के साथ, वहां सा बेटा मुझे बताओ माइग्रेटरी पावर। क्वेश्चन मेरा है माइग्रेटरी ऑर्डर, वो मैंने आपको बोला माइग्रेटरी ऑर्डर खतर उसने प्लस आई, जिस ग्रुप का प्लस आई ज्यादा होगा वही माइग्रेट करेगा, सबसे ज्यादा प्लस आई टर्शियरी ब्यूटाइल ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, इधर इतना, उसके बाद ये वाला ग्रुप, उसके बाद मिथाइल वाला ग्रुप। इसका मतलब है पहले ये शिफ्ट होगा, फिर ये शिफ्ट होगा, फिर ये शिफ्ट होगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो ये मिस एक प्लस आई ज्यादा है वो पहले शिफ्ट करेगा, ये माइग्रेटरी ऑर्डर है, ठीक है। अब देखे यहां पर ये वालों से दोनों करो, अगर वो माइग्रेटरी ऑर्डर यूज कर, माइग्रेटरी ऑर्डर किसका ज्यादा माइग्रेशन पावर है, जिसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो फिनाइल का है। इसका मतलब है फिनाइल विल माइग्रेट, फिनाइल कैन मूव, इतना क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा C, यहां पर CH3 अपनी जगह पे, यहां पर CH3 अपनी जगह पे, यहां पर आया प्लस चार्ज, यूज क्या हो CH और यहां पर आ जाए फिनाइल, आप रिंग बना भी सकते हो, ठीक है। ये मैंने यूज किया कौन सा माइग्रेटरी ऑर्डर, ये मीन्स ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सुई गैस माइग्रेट, यूस घर इमीर है सुई सुल झुम गढ़, जब यहां पर पंडित ने माइग्रेशन किया जम्मू की तरफ। अगर जब होना है से कर मैं शिफ्ट करो किसको, मिथाइल को, जब मैंने मिथाइल को शिफ्ट किया, देख बेटा बताओ क्या बनेगा, इन दो में एक करो शिफ्ट, चलो ऊपर वाला मैंने शिफ्ट किया, यहां पर आएगा प्लस चार्ज, ये क्या सीनस CH3, ये क्या है, ये है फिनाइल PH, ये क्या है CH, अब यहां पर शिफ्ट हुआ इट इज CH2 CH3, यहां पर शिफ्ट हुआ CH3, क्लियर। वो समय यू दैम कुछ अक्ष ज्यादा स्टेबल, चेक करो इस वाले कार्बो कैटायन में मुझे मिल रहा है रेजोनेंस, कौन सा अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन बेटा बराबर 5 और यहां पर मिलता है रेजोनेंस, आज रेजोनेंस बिकॉज ऑफ बेंजीन रिंग, बेचना अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये प्लस चार्ज इधर भी घूमेगा, इधर भी घूमेगा और रिंग में भी घूमेगा, हाईली स्टेबल, ये यहां पर नहीं रहेगा,
जब प्लस चार्ज यहां नहीं रहा इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गया, यूनिट्स में टेंशन कहीं एम्स को ये दूर इलेक्ट्रिकल फील्ड वो कम। इसको देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, इसमें सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब है यहां पर सिर्फ मुझे मिला हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां पर रेजोनेंस नहीं है, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी है रेजोनेंस भी, इसका मतलब मोस्ट स्टेबल है। देख बेटा याद रखना यूस ये मोस्ट स्टेबल कार्बन कैटायन आसन जो ये हमेशा बनता है थ्रू थर्मोडायनेमिक, इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, याद रखना इट इज टीसीपी, क्या थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड, इट इज कंट्रोल्ड, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। ये किससे बनता है, थर्मोडायनेमिक से। तानेस पानेस माइग्रेटरी ऑर्डर, माइग्रेटरी मतलब को चालू, चालू मतलब को रेट, वो है काइनेटिक, कुछ पैक तेज कुछ पैक स्लो, वो माइग्रेशन होता है, किसका स्पीड ज्यादा है किसका कम है, स्पीड हम कहां डील करते हैं काइनेटिक से, इसका मतलब है जहां पर मैंने माइग्रेटरी ऑर्डर यूज किया यू सी कार्बोकैटायन बने हो ये किस से बना, इट इज फॉर्मड बाय काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, लिखो इट इज काइनेटिकली, सी स्टैंड्स फॉर कंट्रोल्ड, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। गो माइग्रेटरी ऑर्डर से जो कार्बोकैटायन बनता है ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है, ये लेस स्टेबल होता है, हमेशा याद रखना इट इज लेस स्टेबल, ये कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है। और जो कार्बोकैटायन बनेगा बाय थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोसेस से और जो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होगा ये बेटा स्टेबल होता है, इट इज स्टेबल कार्बोकैटायन, याद रखना वन सदी स्टेबल कार्बोकैटायन कार्बन जब आपने मिथाइल को शिफ्ट किया। गो अगर जब इन्हें सवाल था भाई आरडीएस इज नॉट फॉर्मेटेड, कार्बो कैटायन इज नॉट फॉर्मड इन आरडीएस, कार्बो कैटायन बनो ना आरडीएस में कहीं वन कुछ रेरेंजमेंट गए हेरम गए बनम गए, अगर जब वन कार्बो कैटायन बनो आरडीएस में तब आपको अप्लाई करना है माइग्रेटरी ऑर्डर, उस वक्त आप स्टेबल कार्बो कैटायन मत बनाओ, उस वक्त आप बनाओ काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, आप बनाओ लेस स्टेबल कार्बो कैटायन, आप बनाओ ये क्वेश्चन में यही मेन पॉइंट होता है। वन अगर उसने कुछ मेंशन नहीं किया याद रखना तब जाके हमेशा बनाना टीसीपी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, मतलब हमेशा बनाना मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, किसी भी ग्रुप को शिफ्ट करो हमें मिलना चाहिए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, सो कार्बोकैटायन यहां पर ज्यादा अल्फा एच एस एन बेस ज्यादा रेजोनेंस है वही कार्बोकैटायन बनाओ। लेकिन अगर किसी जगह उसने कहा माइग्रेशन, उसने कहा रेरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज ए आरडीएस स्टेप, उसने यूज किया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उस वक्त आपको यूज करना है माइग्रेटरी ऑर्डर, आप हमेशा शिफ्ट करो सबसे पहले हाइड्रोजन को, फिर शिफ्ट करो फिनाइल को, उसके बाद शिफ्ट करो किसको अल्काइल को, याद रखना जिस अगर ये ना फिनाइल दूसरा यहां पर फिनाइल है उसके साथ मिथॉक्सी ग्रुप है, देख बेटा ऐसे इंद्रो सवाल इस पर माइग्रेटरी ऑर्डर पर दूसरा क्वेश्चन इंद्रो इस पर सवाल मान सर बेटा कुछ के माइग्रेट जल्दी बताओ माइग्रेटरी ऑर्डर बताओ जल्दी मुझे बताओ माइग्रेटरी ऑर्डर एम्ब्रो इस पर देख बेटा इसने ऐसे बनाया यहां पर NO2 ग्रुप है इसने ऐसे बनाया यहां पर है OCH3 और इसने ऐसे बनाया वन सा बेटा यमो त्रियो ग्रुपो में कुछ गैस माइग्रेट सारे को तेज इन तीन में सबसे ज्यादा माइग्रेट कौन करेगा बताओ ये मस्ट प्लस एम ये ग्रुप क्या है प्लस एच ये क्या है प्लस माइनस एम ये माइनस एम ग्रुप है ये ग्रुप क्या है प्लस एम ग्रुप है ये प्लस एच ग्रुप है सारे को ज्यादा प्लस है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा गोल्डेनस माइग्रेट ये सबसे पहले माइग्रेट ये ग्रुप होगा इस कार्बन पे उसके बाद माइग्रेट होगा ये वाला ग्रुप अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन पेयर याद रखना इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ ये होगा सेकंड माइग्रेट फिर माइग्रेट होगा तीसरा ग्रुप क्योंकि इसमें माइनस एम ग्रुप है जब ये मूव करेगा इट विल बी थ्रो देखो माइग्रेटरी ऑर्डर में हम देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को याद रखना क्लियर हुआ दिस इज रेरेंजमेंट ऑफ कार्बो कैटायन्स हमेशा याद रखना थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट ऑलवेज फॉर्म स्टेबल कार्बो कैटायन इस वक्त आप किसी भी ग्रुप को माइग्रेट कर सकते हो कार्बो कैटायन इज नॉट फॉर्मड इन आरडीएस और जब काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनेगा कार्बो कैटायन बनेगा वो लेस स्टेबल होगा ये हमेशा बनता है बाय माइग्रेटरी ऑर्डर जब हम फॉलो करते हैं कार्बो कैटायन इज ऑलवेज फॉर्मड इन आरडीएस नोट करो। अब यहां पर हम क्वेश्चन करेंगे कुछ ये बहुत क्लियर सबसे इंपॉर्टेंट यही था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गलती से करेंगे
देख बेटा हम क्वेश्चन करेंगे ऐसे, हमारे पास है सी, इट इज ओ सी एच थ्री, यहाँ पर सी एच थ्री है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर मैंने कर दिया, चलो यहाँ पर फिनाइल भी कर देंगे, फिनाइल यहाँ पर मैंने कर दिया सी एच, यहाँ सी एच थ्री है, यहाँ पर मैंने कर दिया सी एच टू प्लस, वहां से क्या गैस, इस कार्बन के टाइम में क्या होगा, रेरिमेंट कैसे गिनती है, देख चेक कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर वन है। देख बेटा यह कार्बन कैटायन का अल्फा हाइड्रोजन, सर अल्फा कार्बन ये है, इसका अल्फा हाइड्रोजन एक है, फिर अरेंजमेंट गैस बताओ इस कार्बन पे कौन कौन ग्रुप है, हाइड्रोजन है, मिथाइल है और ये पूरा ग्रुप है, सबसे फास्ट माइग्रेट करेगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन भी अटैच है यहां पर, सबसे फास्ट अभी हमें लिखा हाइड्राइड, हमें मिलेगा ये कार्बन कैटायन, देख क्या मिलेगा सी, यहां पर ओ सी एच, याद रखना ये क्या है, इट इज फिनाइल, क्लियर बेटा, यहां पर क्या है, इट इज हाइड्रोजन, ये इतना सामान सी एच पर प्लस चार्ज, नीचे है मिथाइल सी एच थ्री, अब ये बन गया सी एच थ्री, कार से चेक अल्फा हाइड्रोजन, हर किसी स्टेप में क्या मैचा यूज करो, बता दो अल्फा हाइड्रोजन, इनके त्रय अल्फा हाइड्रोजन, इनके त्रय के छह, यहां पर एक है, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू सेवन, याद रखना, गो, यहां पर हाइपर कंजुगेशन इंक्रीज हुआ, ये रिअरेंजमेंट स्टेप होगा, अब देख थर्ड स्टेप में क्या होगा, वहीं पैक किए युकुन वापस नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वापस गए अल्फा हाइड्रेशन काम, स्टेबिलिटी डिक्रीज नहीं होना चाहिए, ये बैक वापस नहीं जाएगा, वहां से बेटा दिल अब इन तीन ग्रुपों में कौन शिफ्ट करेगा, याद रखना यहां पर भी हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा, इस कार्बन कैटायन को मिलेगा इसका बैक बॉन्डिंग, इसका बैक बॉन्डिंग, देख बेटा क्या होगा, फिनाइल से शिफ्ट करूं क्या, अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं, देख बेटा सी एच थ्री मैंने यहां पर रखा सी एच थ्री, क्लियर हो जाएगा, वहां करके शिफ्ट करना फिनाइल किन से करेगा, मिथाइल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब देख कार्बो कैटायन को मिलेगा बैक बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ दिस, इसे बैक बॉन्डिंग मिले, हमेशा हमें यूज करना कौन सा, अभी मैंने कहा माइग्रेटरी पावर, माइग्रेटरी पावर क्या, सी एच थ्री जाती फिनाइल, फिनाइल आपको शिफ्ट करना है फिनाइल लेवल, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कार्बो कैटायन को मिलेगा बैक बॉन्डिंग, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और यहां पर शिफ्ट करेगा कौन, फिनाइल ग्रुप विल माइग्रेट, यानी अल्काइल करेगा शिफ्ट, अगर आपने अल्काइल मिथाइल को शिफ्ट किया आपने गलती की, यही है क्रैक ऑफ दिस पॉइंट। इस कार्बन कैटायन में मुझे क्या मिला, यहां पर रेजोनेंस नहीं है लेकिन यहां पर प्लस एम है, इट इज प्लस एम स्टेबलाइजर, मैंने पढ़ाया रूल कैम एच आई गो, गुआनिथिन कार्बन कैटायन में हाइपर कंजुगेशन, लेकिन इस वाले में आता है क्या निसोमेरिक इफेक्ट, यहां पर लोन पेयर जल्दी करेगा इसको स्टेबलाइज, इसीलिए फिनाइल शिफ्ट उधर हुआ, गो येतनस गैसी जल्दी फिनाइल उधर शिफ्ट, क्योंकि फिनाइल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मिथाइल के पास कम है, इस कार्बन कैटायन जो ये बना इसको मिलता है बैक बॉन्डिंग, इसलिए मैंने कौन सा यूज रूल यूज किया, माइग्रेटरी ऑर्डर, मैंने यूज किया माइग्रेटरी ऑर्डर फॉलो किया, अगर मैं इतना साइड से ये ओ सी एच थ्री के आपको शिफ्ट करना था मिथाइल, तब जाके आपको बनाना था थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, जो ये कार्बन कैटायन है ये कौन है, इट इज केसीपी काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, क्योंकि ये बना थ्रू माइग्रेटरी ऑर्डर, ये स्टेबल भी है बिकॉज ऑफ प्लस एम, नोट करो, अगर इसका वो कहेगा मुझे बना के दे दो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, डरना नहीं है, दो स्टेप भाई, एक स्टेप दो स्टेप, दो स्टेप बनेंगे, ये एनर्जी है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, दो स्टेप, इसका मतलब एक रहा स्टेट दूसरा ऐसे, ये ऐसे बन गया, ये पहला यहां पर रखो, फिर बन गया ये, ठीक है, फिर ये लास्ट में आया ये, ठीक है, ये दूसरा है, वन टू एंड थ्री, ये वाला रिप्रेजेंट करता है इसको फर्स्ट, सेकेंड इसको रिप्रेजेंट करता है, और थर्ड रिप्रेजेंट करता है इसको, समझ आवा, ये स्टेप फास्ट है, जल्दी होगा, बैक बॉडी में रहा, इसका एनर्जी गैप कम होगा, इस स्टेप का एनर्जी बेरियर कम है, पहला स्टेप स्लो होगा क्योंकि यहां पर आपको बैक बॉडी नहीं मिल रहा है, ये तो मिलना चाहिए बैक बॉडी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, ये जल्दी कोशिश करेगा, ये जल्दी कोशिश करेगा इसमें कन्वर्ट होने की, बेरियर कम, ये बनेगा एक्टिवेशन एनर्जी बेरियर, यहां पर कितने ट्रांसिस्टर्स हैं, दो, जितने स्टेप्स होते हैं उतने ट्रांसिस्टर्स, नोट करो, दिस इज फर्स्ट कार्बो कैटायन रिअरेंजमेंट, नोट करो, बारे बारे इंपॉर्टेंट, कार्बो कैटायन इज प्लेनर, ये sp2 होता है, इसके पास p ऑर्बिटल होता है, इसको राइट साइड से भी अटैक होगा, लेफ्ट साइड से भी अटैक होगा, ये बनाएगा dm, वो आगे पढ़ेंगे racemic mixture, अगर कार्बो कैटायन कार्बन काइरल, यहां पर d फॉर्म भी बनेगा, l फॉर्म भी बनेगा इन इक्वल अमाउंट, उसको हम कहते हैं racemic mixture, वो हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में, फिलहाल आप इतना याद रखो, चलो बेटा।
हमारे पास है शिफ्टर्स, आप देख शिफ्टर्स, हाइड्राइड शिफ्ट है हमारे पास, हाइड्राइड शिफ्ट हमारे पास है, फिनाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट हमारे पास है, अल्काइल शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट मेमोरी ताने से अगर माइग्रेटरी पावर भी यूज कर बोन लगे शिफ्ट हाइड्राइड फिर फिनाइल फिर अल्काइल, लेकिन अगर मैं उससे हमें मिलेगा कौन सा कार्बोकैटायन केसीबी काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, लेकिन अगर मैं यूज करूंगा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाऊंगा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, तब जाके आपको माइग्रेट करना है पहले हाइड्राइड को फिर अल्काइल को फिर फिनाइल को, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इनके त्रया शिफ्ट, इसके अलावा हमारे पास होते हैं रिंग में, चौथा हमारे पास ये है उसको कहते हैं रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन कार्बोकैटायन समझ रिंग एक्सपेंशन वो भी हम पढ़ेंगे। सिक्स मेंबर रिंग इज हाईली स्टेबल, ये सात रिंग साइज है फोर मेंबर फाइव मेंबर और थ्री मेंबर, दे ट्राई टू कन्वर्ट इनटू सिक्स मेंबर, वो अपना साइज बढ़ाते हैं उसको कहते हैं रिंग एक्सपेंशन, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और जब रिंग साइज सेवन से ज्यादा होता है एट नाइन, वो कोशिश करता है सिक्स पे आने की, उसका नाम है रिंग कंट्रैक्शन। एक और रेरिजमेंट होता है रिंग कंट्रैक्शन, हमें यही पढ़ना है, आप पढ़ने छह सिम शिफ्ट फिर हमें पढ़ना है रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कंट्रैक्शन। नोट करो ये है हमारा ऑर्डर। 99% केस में मुझे क्या बनाना है स्टेबल कार्बोकैटायन, मुझे बनाना है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, किसी भी ग्रुप को शिफ्ट करो आपकी मर्जी, माइग्रेटरी ऑर्डर को फॉलो मत करो। लेकिन अगर उसने कहा माइग्रेटरी ऑर्डर को फॉलो करो फिर आपको करना पड़ेगा, जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उसको शिफ्ट करो पहले, अदरवाइज ऑलवेज मेक स्टेबल कार्बोकैटायन, ये याद रखना। चलो बेटा सबसे पहले आएंगे हाइड्राइड शिफ्ट पे, हाइड्राइड शिफ्ट कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास ये कार्बोकैटायन है इधर, क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास ऐसे कार्बोकैटायन है, क्वेश्चन नंबर थ्री बस ज्यादा नहीं करूंगा मैं, आई कैन शो यू 50 or 60 एग्जाम्पल, उतना नहीं करेंगे दो चार करेंगे ठीक है बेटा। थर्ड ऐसे मैंने शीट बनाया, ठीक है फोर्थ ठीक है फिफ्थ बनाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके लिए होम एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर एट, सेवन क्वेश्चन नंबर एट ये आपके लिए होम एक्सरसाइज है, ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन, ठीक है चलो जल्दी करो वहां से बेटा, ये बहुत आसान है, कहां जाएगा अल्फा हाइड्रोजन को सीधा दो है, अल्फा हाइड्रोजन दो अगर ही शिफ्ट करे उतना ये जल्दी शिफ्ट करेगा ऐसे, देख बेटा हमें मिलेगा ये कार्बोकैटायन, वन से बढ़ना कैसे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन को टू, आप बता अल्फा हाइड्रोजन सिक्स, बस ये बनेगा वन डिग्री कार्बोकैटायन कन्वर्ट टू टू डिग्री। दूसरे पे आ जाओ, वन से कैसे अल्फा हाइड्रोजन, ये है तीन और यहां पर एक, यहां पर फिलहाल कितने हैं चार अल्फा हाइड्रोजन, वही अगर शिफ्ट होता गैस इधर जाएगा तो अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, लेकिन ये थ्री प्लस चार जितना सी यहाँ पर दो हाइड्रोजन है ये इधर नहीं जाएगा, इधर आ जाओ अगर जितना ये उसका मतलब है इक्वल अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन अल्फा, यहाँ पर तीन और यहाँ पर दो, इसका मतलब है ये शिफ्ट करेगा ये प्लस चार्ज, ये शिफ्ट करेगा इधर, खुद बना मैं, अब अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे आठ के बराबर, ये होगा तनों से टू डिग्री कार्बन कहते हैं हम, बनेगी थ्री डिग्री कार प्लस चार्ज इज मोर स्टेबल एट मोर क्राउडेड साइट, ये साइट क्राउडेड है यहाँ पर, इधर से भी प्लस आएगा प्लस आएगा प्लस आएगा प्लस चार्ज खत्म होगा, और इसको हाइपर कंडक्शन ज्यादा मिलता है, त्रिहाइड्रोजन त्रिहाइड्रोजन
آ جاؤ اس پہ یہ ون ڈگری یہ پہنچے گا ادھر یوتھس یوتھس ووت اب چیک کرو یہ گیس ترے الفا ہائیڈروجن یہ گوس اکھ ژور اگر یوتھس وت یہاں پر تین دو اور دو اس کا مطلب پہلے یہاں پلس چارج پہنچے گا پھر یہاں فائنلی یہاں پر پہنچے گا بس یہ آنسر آئے گا یہ اب منہ نہیں کرے گا اگر یوتھس گو الفا ہائیڈروجن اس میں کام یہاں پر الفا ہائیڈروجن کتنے ہیں جب یہاں پر یہ پہنچا تھری ڈگری یہاں پر تین الفا ہائیڈروجن ہے پانچ پانچ گئے سات یہاں الفا ہائیڈروجن سات تھے پہلے کتنے تھے یہ محسوس اس وقت الفا ہائیڈروجن دو کے برابر تھے گوڈ ہے پلس چارج یہ محسوس ون ڈگری کاربن کے ٹائم اتھ الفا ہائیڈروجن یہ اتھ زی ہائیڈروجن یہ الفا کاربن اتھ زی ہائیڈروجن لیکن اب یہ بنے گا آ جا بیٹا یہ کس الفا ہائیڈروجن یہ ہے الفا کاربن یہاں پر الفا ہائیڈروجن دو کے برابر ہے اب یہ منہ کرے گا ادھر پھر منہ کرے گا ادھر یہ روز یتنس یاد رکھنا یہ بنے گا وہاں سے کس الفا ہائیڈروجن گئے زت زگے ژور ژور زگے شیے چھ بنیں گے اب یہ آنسر آئے گا اب یہ آپ کے لیے ہوم ایکسرسائز چشی کرن منہ پلس چارج آپ نیچے بھی لے سکتے ہو ادھر بھی لے سکتے ہو ادھر بھی لے سکتے ہو ادھر بھی ادھر بھی چشی نیونی توتنس یوتنس الفا ہائیڈروجن انکریز گھن گو جب ہائیڈرائڈ شفٹ کرو گے آپ کو صرف دیکھنا ہے ہائپر کنجوگیشن اگر کن جائے الفا ہائیڈروجن روز ژور پتہ اگر شفٹ کور اگنی بھی ژور وہ الاؤڈ نہیں ہے الفا ہائیڈروجن شوڈ انکریز یاد رکھنا صرف ٹرک ایک یاد رکھو نمبر آف الفا ہائیڈروجن شوڈ انکریز ان ایوری سٹیپ یہ گھس ہمیشہ انکریز گھن یہ کانسٹنٹ نہیں رہنا چاہیے یہ ڈیکریز نہیں ہونا چاہیے بس اتنا یاد رکھنا دس از ہائیڈرائڈ شفٹ کلیئر آ جاؤ سیکنڈ پہ سیکنڈ شفٹ از میتھائل شفٹ وہ اس سے آسان ہے اس میں کچھ نہیں کرنا ہے مان سا بیٹا کون شفٹ کرو گے کوسچن نمبر ون اٹ از فینائل شفٹ چلو سیکنڈ پڑھیں گے فینائل شفٹ فینائل شفٹ خود کرو جلدی مائگریٹری آرڈر یوز کرو ایسے بنائیں گے مان سا بیٹا کوز گز مائگریٹ ان تین میں سب سے زیادہ مائگریٹ کون ہوگا فینائل بنایا میں نے اس کا مطلب رنگ بنانا پڑے گا اٹ از سی ایچ تھری اٹ از این او ٹو اٹ از ایف اس کو شفٹ کرنا ہے ادھر سی ایچ ٹو وہاں سے بیٹا کون کرے گا مائگریٹ ایک ہی کرنا مائگریٹ یہ کیا شیئر یہ پلس ایم گروپ ہے کلیئر یہ گروپ کیا ہے مائنس ایم گروپ اور فلور بینزین از اس کا مائنس آئی ڈومینٹ ہوتا ہے مائنس آئی سب سے زیادہ مائگریٹ یہ ہوگا اس کا مطلب آپ کو یہ شفٹ کرنا پڑے گا اس کو شفٹ ادھر کرو وہ ہوگا آنسر دس از نون ایز فینائل شفٹ ٹھیک ہے یہ رنگ میں زیادہ الیکٹران ڈینسٹی ہے اسی کو شفٹ کرو نوٹ کرو چلو بیٹا لاسٹ پہ آ جاؤ الکائل شفٹ آپ اتنا یاد رکھو میں نے آپ کو کلیئر کیا تھرڈ از الکائل شفٹ اٹ از الکائل شفٹ وہ بھی ہم نے پڑھا مائگریٹری پاور یوز کرو اگر جب انہیں سی یہاں پر سی ایچ ٹو ہے اس سے پلس چارج ہے یہاں پر میں نے بنایا ایسو پروپائل گروپ یہاں پر بنایا میں نے ایتھائل گروپ یہاں پر بنایا میں نے ٹرسری بیوٹائل گروپ بتاؤ کس کو مائگریٹ کرو گے پلس ہے کس کا زیادہ اس گروپ کو مائگریٹ کرو بس اس کو مائگریٹ کرو ادھر کیونکہ اس کا پلس ہے زیادہ ہے جو کاربن کے ٹائم بنے گا وہی آنسر آئے گا ایڈمنیسٹریٹ سی یہ ایسے بنے گا یہ اپنی جگہ پہ ہے یہاں پر پلس چارج آیا یہ سی ایچ ٹو ہے اور یہاں پر ایسے بنا دس از دا آنسر میں نے مائگریٹری پاور یوز کیا کیونکہ اس کا پلس آئی سب سے زیادہ ہے اور یہاں پر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو اگلی کلاس میں ہم کریں گے ایکسرسائز ڈسکس آن ہائیڈرائڈ شفٹ میتھائل شفٹ اینڈ فینائل شفٹ اور ہم دیکھیں گے واٹ از رنگ ایکسپینشن اینڈ رنگ کنٹریکشن آج کے لیے یہ کافی ہے اس کو ریوائز کرنا